these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया हो गए। यहाँ पर हम भी सब बहुत बढ़िया है। और गाइज, आज का दिन और ब्लॉग दोनों ही बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि कल श्राद्ध खत्म हो गया और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए। आज नवरात्रि का पहला नवरात्रा है। तो मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को जय माता दी और माता रानी सबको स्वस्थ और मस्त रखे एंड सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। और गाइज, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना कोई भी ना भूले। और ये बताना कि फास्ट किस किस का। गाइस, मेरा फास्ट है और मम्मी का भी है और सुमित का मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी जस्ट मैं सो के उठा एंड मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी फ्रेश व्रेश। हाँ, अच्छा गाइस, इसका सुमित का भी है फास्ट, वो बताने आया है अलग से कि मेरा भी है, ये भी बता। तो सुमित का भी है, मतलब हम तीनों का है। पापा का नहीं है, पापा नहीं रखते व्रत, बट हाँ वो हाथ वाथ पूजा वूजा कर लेते हैं। तो गाइज, बस यही है। तो आज का ब्लॉग मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरा भाई ना हरमन माता रानी का बहुत अच्छा दरबार लगा देता है घर में चौकी। एक सेकंड, तो इस बार में मैं सो के उठ नहीं पाया एंड उसने पूरा दरबार जल्दी उठ के सुबह ही लगा दिया। बहुत प्यारा गाइस। और अभी उनने घर की सफाई भी करी है, तो इतना मतलब अच्छे से लगा पाया। बस मूर्ति वगैरह लगा दी जस्ट पूजा करने के लिए ना के। और अभी शाम को लड़ी वड़ी लगा के और अच्छे से लगाएगा। तो जब मैं पूजा करूंगा, मैं जब आपको दरबार दिखाऊंगा और एक बार जब और अच्छे से लगा देगा शाम को, फिर दोबारा दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं और चीज़ें दिखाते हैं और चीज़ें शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा होने वाला आई थिंक ये वाला ब्लॉग। तो गाइस, अभी मैं जस्ट नहा के आ चुका हूँ और मैं पूजा करता हूँ और अब दिखाता हूँ आपको मतलब कैसा दरबार सुमित ने सजाया है। और मैं जल्दी जल्दी नहाया हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा ना लेट हो चुका हूँ, मतलब मुझे और जल्दी नहाना था बट मैं फिर भी लेट हो ही गया। और हो ही जाते हैं गाइस, आज चूँकि सबका पास है तो पूरा घर ही नहाया है तो हो जाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो समझने के ना प्यारा दरबार लगा है। और अभी आपको लग रहा होगा कि बस सिर्फ मूर्ति लगाई है, फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया है। पेपर वगैरह भी अभी सुबह ही खरीद के लाया है, बट यह है कि हाँ अभी और अच्छा डेकोरेट इसको वो करेगा, थोड़ा पूजा वूजा कर लें। अब दोपहर को थोड़ा खाली हो जाएगा ना मंदिर, मतलब पूजा वगैरह करके वो और अच्छा डेकोरेट करेगा। मैं आपको जब भी दिखाऊंगा तभी मैं कर लेता हूँ माता की पूजा, क्योंकि बहुत मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। और मैंने म्यूज़िक भी बंद करवाया है क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए इस वजह से। तो गाइज, इस टाइप से कुछ मेरी पूजा होती है। मेरी पूजा में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं म्यूज़िक लगा के ही करता हूँ, तो दैट्स वाई मैंने ओवर वॉइस डाल दी अब थोड़ी सी, क्योंकि मैं सारा म्यूज़िक डालता तो कॉपीराइट आने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसलिए। और मुझे पूजा में टाइम ही लगता है और वैसे भी सबको ही लगता है, नवरात्र है तो नवरात्र में तो और ज़्यादा ही मन करता है पूजा करने का है। एंड ऊपर से म्यूज़िक और चल लेते हैं तो और ज़्यादा मन अटैच होता है कि मतलब हम पूजा करें, है ना। तो बस वही चीज़ थी मेरे साथ भी, तो बस अब मैं आगे का दिखाता हूँ। बस इतनी थी ओवर वॉइस, जो डालनी थी जो डाल दी। तो गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा कि मेरी पूजा हो चुकी है डन और पूजा बहुत बढ़िया हुई है। हर बार की तरह मैंने वीडियो में कम दिखाई है क्योंकि मुझे पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 15-20 मिनट करीब, तो इतना लंबा तो मैं दिखा नहीं सकता। और म्यूज़िक और चलते हैं पीछे से तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मैं कम ही दिखाता हूँ, अदरवाइज मुझे बहुत टाइम लगता है। मेरी पूजा बिल्कुल अच्छे से डन हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ बढ़िया एकदम। तो अब मैं टीका लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने टीका नहीं लगाया, टीका ही मैं आप सबको दिखा के और अपने इसमें ब्लॉग में देख के ही लगा रहा हूँ, क्योंकि पूजा करते टाइम मैं ध्यान नहीं रहा, बस मूर्तियों को लगा दिया, अपने आप को लगाया। तो अब पूजा भी डन और टीका भी डन, तो अभी मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। और अभी बाल बाल भी पता नहीं मेरे कैसे हो गए हैं, क्योंकि मैंने काढ़े नहीं ढंग से, मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गया क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया था ना पूजा के लिए। तो अब मैं होता हूँ ढंग से तैयार। सो हे गाइज, इसलिए क्योंकि मैं तो बस गया सुबह ब्लॉग ऑफ करके ना, भूल ही गया बिल्कुल कि आज मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि की। और मतलब दोपहर में मैं सोया तो नींदा लेट गया था, फ़ोन चलाने लग गया, फिर थोड़ी बहुत मंदिर की डेकोरेशन कर रहा था सुमित, तो मैं सुमित के साथ बैठ गया क्योंकि मैं तो डेकोरेशन मुझे तो आती नहीं है, सुमित ही करता है। और गाइस, सुमित ने इतना प्यारा दरबार लगाया ना, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, बट उसके लिए सॉरी कि मैं बीच का आपको कुछ भी दिखा पाया, क्या मैंने खाया क्या नहीं खाया। और अभी मैंने शाम की पूजा भी कर दी है, जब मुझे ध्यान आया कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है, तो मैंने जब कैमरा ऑन करा, चलो आपको दिखाता हूँ कि सुमित ने दरबार कितना प्यारा लगाया है। तो गाइस, ये आप लोग देख सकते हो सुमित ने कितना प्यारा दरबार लगाया है, ऊपर से पूरा ऐसे नीचे तक और वहाँ तक मतलब इतना प्यारा लगाया ना। और मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ और भी प्यारा लगेगा। और अभी मैंने जोत जलाई थी तो वो तो हो गई है पूरी, वरना और अच्छी लगती थाली के साथ और ज़्यादा। और एक पूरा बंडल उनने मतलब लड़ी का लाइटिंग का पूरा वहाँ पर रख दिया कोने में, और बाकी एक लाइटिंग पूरे मंदिर में मतलब अच्छे से डेकोरेट कर दिया। मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ, देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये लाइट बंद करने के बाद, और ज़्यादा ऐसा लग रहा है चार चांद से लग गए। और ये वाली चीज़ तो बहुत अच्छी लग रही है, कोने वाला जो लाइटिंग का बंडल रखा है ना पूरा, तो कुछ ऐसा सुमित ने दरबार सजाया। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, अच्छा लगा आपको या नहीं। वैसे तो माँ का भवन बहुत ही अच्छा सजाया है सुमित ने।
तो गाइस से सॉरी टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज है नवरात्रि 5th वाला है और मैं बहुत लेट हो गया। मैंने फर्स्ट और सेकंड डे भी नहीं, शायद सिर्फ फर्स्ट डे का ही बनाया और उसके बाद आज 5th डे का बना रहा हूँ। उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी दूसरे पे ही और मैं फिर कंटिन्यू कर नहीं पाया। और रामलीला वगैरह में भी जाते हैं हम, उसका ही ब्लॉग नहीं कर पाया। बट आप टेंशन मत करना, अभी नवरात्रि ख़त्म नहीं हुए, अब और इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। कल वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अब वो क्या है वो मैं बताऊँगा नहीं, वो आप सीधा देखना जब मैं अपलोड करूँगा। और रामलीला का व्लॉग भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि कल तो नहीं आ पाएगा, बट हाँ यह है कि कुछ टाइम बाद आएगा ज़रूर, रामलीला का भी, दशहरा का भी। और मेरी जो बुआ का बेटा है वो भी आज आ चुका है, उसके साथ भी आएगा, हम कहाँ घूमेंगे क्या करेंगे। तो बस अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं, जितने दिन मैंने गैप लिया है उतने दिन ही अब कंटिन्यू आपको व्लॉग मिलेंगे। बट गाइस अभी आप ये वाला देखो, मेरे फर्स्ट नवरात्रि का व्लॉग ही, एंड इसके बाद नए नए व्लॉग आएंगे, फिर आप इन्जॉय करना है न्यू व्लॉग्स को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। जब तक के लिए इसको एन्जॉय करो, आप कल आए, कल से आएंगे न्यू व्लॉग्स। बाय बाय।